हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि समय से पहले ही हमारे बाल सफेद दिखना शुरू हो जाते हैं और कई लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार हम अपने बालों को सफेद होने से रोकें तो रोकें कैसे। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने सफेद होने वाले बालों को अच्छे तरीके से रोक सकते हैं और उनकी रोकथाम करके अपने बालों को काला भी बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि बाल सफेद होते क्यों हैं। हमारे बालों की जड़ें अच्छे तरीके से मजबूत होने की वजह से ना ही हमारे बाल कभी गिरते हैं और ना ही उनमें कभी सफेदी आती है। और इन सारी चीजों के पीछे हमारा इंटरनल सिस्टम काफी अच्छे तरीके से काम करता है। हमारे बालों को जब निरंतर प्रोटीन मिलता रहता है तो हमारे बालों में कालापन बरकरार रहता है, लेकिन जिस समय हमारे बालों को कैल्शियम और प्रोटीन मिलना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे बालों में सफेदी दिखना शुरू हो जाती है। अगर आपके खाने के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी है तो यकीनन आपके सर में चाहे एक ही हो लेकिन सफेद बाल जरूर होगा। कई लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर हम एक सफेद बाल को तोड़ देते हैं तो ऐसा करने से और ज्यादा सफेद बाल होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस जड़ से आपने सफेद बाल तोड़ा है उस जड़ से सफेद बाल ही उगेगा। ये भी हो सकता है कि उस जड़ से एक की बजाय दो काले बाल उग जाए। इसीलिए ये धारणा रखना कि सफेद बाल तोड़ने से और ज्यादा सफेद बाल होते हैं ये बिल्कुल गलत है। चलिए अब बात करते हैं अपने सफेद बालों की रोकथाम करने के लिए। रोकथाम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजों को कंज्यूम करिए जिसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। दोस्तों, आप कई बार सोचते होंगे कि हर चीज का जवाब पानी कैसे हो सकता है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जल ही जीवन है। इसीलिए अगर हम जीवन को सुरक्षित रखते हैं तो हमारी सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। इसीलिए अपनी बॉडी में कभी भी पानी की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो आपको बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। ना केवल सफेद बाल बल्कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, समय से पहले बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी खराब होना, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए पानी पर फोकस जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर बालों में बहुत ज्यादा सफेदी आ रही है तो नारियल के तेल के अंदर कड़ी पत्ते को पका लीजिए और उसके बाद जब वो तेल अच्छे तरीके से उबल जाए और उसका रंग थोड़ा बदल जाए तो कड़ी पत्ते को अलग करके उसी तेल से अपने बालों में मसाज करिए। ये बालों को काला करने के लिए काफी अच्छा और हर्बल नुस्खा है। अगर आप नारियल का तेल और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बाजार से भृंगराज तेल खरीद सकते हैं। भृंगराज तेल के अंदर बालों को काला करने के लिए और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी क्षमता होती है। इसीलिए आप चाहे तो भृंगराज तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हर्बल शैम्पूस का इस्तेमाल करें और अपने बालों को जब भी बाहर निकलें तो धूप में कवर करके निकलें। ऐसा करने से बाल सूरज के संपर्क में नहीं आएंगे। सो दोस्तों, ये है आसान से तरीके सफेद होते हुए बालों की रोकथाम करने के लिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।